हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके दोस्तों? आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना? एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अनेक प्रकार की वैकेंसी है उसके अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, ठीक है ना? तो ये कई प्रकार की वैकेंसी दोस्तों निकली है और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के ऊपर ही चलते हैं दोस्तों। तो ये जो भर्ती निकाली है ये IBPS ने निकाली है, ठीक है? IBPS ने ये भर्ती निकाली है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और क्या कुछ रहेगा, सारी बातें हम देखेंगे। जो ऑफिस असिस्टेंट है दोस्तों मल्टीपर्पज, इसके लिए एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री, और लोकल लैंग्वेज जहाँ के लिए आप अप्लाई करोगे उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? और कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, तो आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। क्लियर है? उसके बाद में ऑफिसर स्केल 1, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम से, और लेकिन प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिसके पास क्या होगी, एग्रीकल्चर से डिग्री होगी या हॉर्टिकल्चर से होगी या फॉरेस्ट्री से होगी या एनिमल हस्बेंड्री से होगी, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने दे रखी है अलग अलग से स्ट्रीम, प्रेफरेंस इनको दी जाएगी, लेकिन लग दूसरे भी सकते हैं यदि ये लोग नहीं मिलते हैं तो, ठीक है? इसके बाद में आगे चलते हैं जी। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम से, 50% होने नंबर होने ज़रूरी है, ठीक है? किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, 50% नंबर हो तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वरीयता उनको दी जाएगी जिनके पास ये स्ट्रीम होगी दोस्तों। क्लियर है? और इसमें दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है? आगे चलते हैं जी। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की वैकेंसी है, ठीक है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में, ठीक है? या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इसके बराबर कोई क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों 50% नंबर होना ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है? और 1 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है, ठीक है? रिलेटेड एक्सपीरियंस। और किसी ने भाई चार्टेड अकाउंटेंट का रखा है तो भी अप्लाई कर सकता है, किसी ने लॉ ऑफिसर में भी इसकी वे हैं मतलब वैकेंसी है, ट्रेजरी मैनेजर के लिए भी वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ऑफिस के अंडर, एग्रीकल्चरल ऑफिसर के भी अंडर ये वैकेंसी है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन अलग अलग लिखी है, सामने इनका एक्सपीरियंस। उसके बाद में ऑफिसर स्केल 3, तो बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम से, 50% नंबर हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और प्रेफरेंस जिनके पास इनमें डिग्री होगी उनको दी जाएगी दोस्तों, और 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, ठीक है? तो ये अलग अलग प्रकार की दोस्तों पोस्ट मैंने आपको बताई है। अब इसकी जो अन्य डिटेल है वो आपको बता देता हूँ मैं। अब तो IBPS ने ये भर्ती निकाली है मेरे भाई, ठीक है? 8100 वैकेंसी दोस्तों, कितनी? 8100 प्लस वैकेंसी है, ठीक है? ऑल इंडिया लेवल की। 27 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 27 जून, ठीक है? जनरल OBC की जो फीस है, EWS की जो फीस 850 है, SC ST PWD की 175 फीस है। फीस आपको दोस्तों ऑनलाइन ही जमा करवानी है, क्या है? ऑनलाइन ही जमा करवानी है, क्लियर है ना? आगे चलते हैं जी। 7 जून से फॉर्म स्टार्ट हैं, 27 जून लास्ट डेट है। जो इसका प्री एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में हो जाएगा, और जो मेन एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो 1 अक्टूबर को हो जाएगा, और जो मतलब 3-4 प्रकार की पोस्ट है ना, तो जो मेन एग्ज़ाम है वो डेट इन्होंने अलग अलग लिख दी, यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में एज लिमिट दोस्तों, तो कुछ पोस्ट के लिए 1830 है,
उसके लिए 21 से 32 है, कुछ के लिए 21 से 40 है। ठीक है, एज की जो काउंटिंग है वो 1 जून 2022 इस डेट से काउंट की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो, और एज में जो नियमानुसार छूट होती है वो अलग से दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट की 4445 वैकेंसी है, स्केल वन की 2676 वैकेंसी है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की 765 है, आईटी ऑफिसर स्केल टू की 57 है, सीए ऑफिसर की 19, लॉ ऑफिसर की 18, ट्रेजरी मैनेजर की 10, मार्केटिंग ऑफिसर की 6, एग्रीकल्चर ऑफिसर की 12, ऑफिसर स्केल थ्री की 80 वैकेंसी है। ठीक है, पर ये एग्ज़ाम सभी का होगा भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये इन्होंने सिलेबस यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, मैं टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको आराम से देखिएगा तसल्ली से। कोई चीज़ समझ में ना आई तो फिर आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों जो फोरम स्टार्ट हो चुके हैं, अच्छा मौका है, ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। बाकी आगे भी कंटिन्यू हर प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।